जय हिंद साथियों, मैं भानु प्रताप गोला अनमोल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम आपसे वार्तालाप करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कारगिल युद्ध, जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाने जाते हैं। आज 22 जुलाई है, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन का महत्व हम समझेंगे कि आज हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं। तो साथियों, आज के दिन हमारे भारतीय सैनिकों ने एक बहुत ही एक हर्षोल्लास का काम यानी कि पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर किया था। तो आज उसी 1999 में लगभग 2 महीने चले हुए युद्ध की पूरा घटनाक्रम जानेंगे, युद्ध के क्या परिणाम रहे थे उनको जानेंगे, युद्ध का कारण क्या रहा था उनको जानेंगे, और युद्ध के बाद दोनों देशों की क्या स्थिति रही थी ये इसको भी जानेंगे, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल द्वारा सभी क्लासेज बहुत अच्छी तरीके से चलाई जाती हैं और जितने भी महत्वपूर्ण जयंती या व्रत या त्यौहार होते हैं उन सभी का महत्व भी बताया जाता है लिखित रूप में। तो चलिए साथियों, आज है कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय की कहानी आप सुनने वाले हैं। लगभग मई से स्टार्ट हुआ था ये युद्ध और जुलाई तक चला था, लगभग 2 महीने ये युद्ध 1999 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। स्थान था जो जम्मू कश्मीर का कारगिल जिला है, वहाँ पर हुआ था। कारगिल की जो हिल्स है वहाँ क्या हुआ था, एक्चुअली साथियों, जो ठंड के दिनों में क्या होता है कि जो पाकिस्तानी सेना है और भारतीय सेना है, उस समय 1999 में उस कारगिल की जो हिल थी यानी कि जो चोटी थी उससे नीचे उतर आया करती थी दोनों सेना, पाकिस्तान उधर और हिंदुस्तान इधर नीचे उतर आया करता था। लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने क्या किया कि उस कारगिल हिल पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि भारतीय सेना तो नीचे उतर चुकी थी, क्योंकि उनको ऐसा कुछ पहले से पता नहीं था कि पाकिस्तानी सेना कुछ ऐसा कर सकती है क्या। इसके अलावा इसके घटनाक्रम को हम जानेंगे तो सबसे पहले 3 मई 1999 को क्या था, जो भारतीय सेना थी वो सब तो जो कारगिल हिल थी उससे नीचे उतरी हुई थी, लेकिन एक भारतीय जो चरवाहा था वो उधर, उसका कोई मतलब जैसे वो चरवाहे उधर ना भेड़ बकरी या याक वगैरह चराया करते हैं उधर, और तो अपने याक को ढूंढते हुए उधर कारगिल हिल की तरफ चला गया। वहाँ उसने देखा कुछ पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, तो उसने आकर के भारतीय सेना को बताया कि कारगिल हिल पर कुछ पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, हो सकता है वो कुछ हमारे लिए रणनीति बना रहे हों। तो इस तरीके से 3 मई 1999 को एक चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई। इसके अलावा 5 मई 1999 को क्या, भारतीय सेना की जो पेट्रोलिंग टीम है वो वहाँ पर पेट्रोल करने के लिए कारगिल जिला पहुँची। तो क्या हुआ, जो पेट्रोलिंग टीम करने के लिए भारतीय सेना गई हुई थी तो उनको पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी सेना के साथ कुछ आतंकवादी भी थे उनके द्वारा उनको पकड़ लिया गया, ठीक है। और 9 मई 1999 को जो भारतीय सेना का कारगिल जिले में जो गोला बारूद का जो स्टोर था उसको पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला करके नष्ट कर दिया गया, यानी कि लगभग उसमें भारत को 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 10 मई 1999 को लद्दाख के प्रवेश द्वार जो कि द्रास, काकसार और मुस्को हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पहली बार देखा गया। उसके अलावा 26 मई 1999 को भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाए। इसके घटनाक्रम में हम जानेंगे 27 मई 1999 को भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया गया। उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपना झंडा कारगिल हिल पर गाड़ दिया और विजय को स्थापित किया। तो ये इसका पूरा घटनाक्रम था, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं। अब जानते हैं युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान ने तो 3 मई 1999 को 5,000 सैनिक प्लस उसके कुछ आतंकवादी थे उनके साथ घुसपैठ करके कर दी थी, लेकिन भारत ने ये 8 मई 1999 को अपनी जो पेट्रोलिंग टीम भेजी थी वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका कारण जाने, जो इसके मूल तथ्यों से इसकी जो जड़ को जाने हैं, तो इसकी जड़ ये है कि पाकिस्तान जो पूर्व पीएम थे नवाज शरीफ, जो 1999 में पीएम थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, वह उनके सेना प्रमुख थे जहांगीर परमार के बीच में मतभेद हो चुका था, किसी कारणवश हो जाता है तो मतभेद हो चुका था उन दोनों के बीच में, और कुछ समय बाद जहांगीर परमार की सेना निवृत्ति हो गई यानी कि वो रिटायर हो गए,
रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बना दिया। सबसे इसकी जड़ थी वो ये व्यक्ति था परवेज मुशर्रफ को सेनापति बना दिया। तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बताया भी नहीं था कि हमारी आगे की रणनीति इस प्रकार की है। उसने बिना नवाज शरीफ को बताए हुए ये सारा काम किया था जो 1999 में इनकी गनों में हरकत थी। उसके बाद हम सेना नायकों की बात करें तो जो भारतीय सेना नायक थे वो वेद प्रकाश मलिक थे और पाकिस्तान की तरफ से परवेज मुशर्रफ था। परिणाम की बात करें, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ तो आप सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा कि भारतीय निर्णायक जीत हुई। ऐसी कोई जीत नहीं कोई गुप्त चुप्त में हो गई हो, निर्णायक जीत हुई। सभी देशों ने उसको भारतीय जीत माना, अपनी भूमि पर पुनः नियंत्रण किया, यानी कि जो कारगिल की जो हिल थी उन पर पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उनको वहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, मार दिया गया, कूट दिया गया और उस पर पुनः नियंत्रण भारतीय सेना ने कर लिया। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी और भारत में एक राष्ट्रवाद का प्रेम उभरने लगा था। तो ये था पूरा घटनाक्रम, हमें सारी बातें जानी कारगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के बारे में। तो ये साथियों आज ये 1999 26 जुलाई का जो दिन था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी मित्र हैं जो देशभक्ति से ताल्लुक रखते हैं या भारतीय अपने आप को मानते हैं या आप भी अपने आप को भारतीय मानते हैं तो आप कारगिल युद्ध में तो अपना राष्ट्रहित की बातें नहीं कर पाए होंगे या अपना जो आपके प्रति जो राष्ट्र के लिए प्रेम है वो नहीं दिखा पाए होंगे, लेकिन ऐसी वीडियोज़ को जो राष्ट्र के लिए बनती हैं, जो राष्ट्र गौरव का निर्माण करती हैं, राष्ट्र के गौरव को ऊंचा बढ़ाती हैं, इन वीडियोज़ को शेयर करके आप अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं। तो प्यारे साथियों जितना ज़्यादा शेयर हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठियों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।